हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, अभी अभी जस्ट आपका जो इंडियन पोस्ट GDS का जो आपका रिजल्ट है वो आउट कर दिया गया है और क्या कट ऑफ रही है सभी डिविजनल जितने भी आपके जो स्टेट्स हैं उनका सभी का जारी कर दिया गया है। क्या कट ऑफ गई है कैटेगरी वाइज, स्टेट वाइज, और आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसका भी इन्होंने पूरी जो डिटेल होती है वो दे दी है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि क्या कुछ डिटेल निकल कर आ रही है। तो देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मैं अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ जो कि आपकी इंडियन पोस्ट GDS की है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज रिलीज्ड फॉर ऑल सर्कल। यहाँ पर लिखा है, ये आपके सारे सर्कल यहाँ पर दे रखे हैं। देखिए इस तरीके से सारे सर्कल, नोटिफिकेशन, लाइव सर्कल। अब जैसे मैं मान के चलिए क्लिक करता हूँ मध्य प्रदेश पर, तो जैसे ही मैं मध्य प्रदेश पर क्लिक करूँगा यहाँ पर लिखा है HTTP error 503 करके। ठीक है, देखिए आपको दिख रहा होगा क्लियर, ठीक है, ये एरर आ रहा है यहाँ पर अभी। तो इसका मैंने अभी, आप नहीं डाउनलोड कर पाएंगे, मैंने इसे दूसरे सर्वर से डाउनलोड किया है और इसकी जो सारी PDF है मैं अभी धीरे धीरे करके अपने जो टेलीग्राम है, देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा, इसका नाम है द एग्जाम हेल्पर, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, वहां से आप ज्वाइन करना। इसके लिए 11,627 सब्सक्राइबर है। यहाँ पर मैंने अभी दो स्टेट का डाल दिया है, मध्य प्रदेश का, ठीक है, MP GDS रिजल्ट, और यहाँ पर बिहार का डाल दिया। मैं अभी वन बाय वन आपको अपडेट करता हूँ। अभी अपडेट आई तो सबसे पहले मैंने आपको अपडेट दी, धीरे धीरे मैं दूसरे सर्वर से डाउनलोड करके अभी यहाँ पर सारा अपडेट दे दूंगा। तो नीचे लिंक है, जाइए ज्वाइन करिए और इस पर अपना रिजल्ट आप जिस स्टेट से उसे देख लीजिए। अब देखना कैसे मैं आपको बताता हूँ। और दोस्तों, अगर आपका लिंक ये वर्क नहीं करता है जो मैंने नीचे डाला हुआ है, तो आप क्या करिएगा, टेलीग्राम पर जाइएगा, यहाँ द एग्जाम हेल्पर लिख देना, मेरा चैनल आ जाएगा, ये वाला लोगो देख लेना आप, ठीक है, ये इस तरीके का लोगो लिखा है द एग्जाम हेल्पर, उस पर लिखा है। यहाँ पर जाके आपको सारी स्टेट का मैं धीरे धीरे डाल रहा हूँ, तो जाइए चेक करिए। अब चेक कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने मध्य प्रदेश पर क्लिक किया, ये फाइल डाउनलोड होगी, ये देखिए फाइल ओपन होगी। अब यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा है GDS ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 1 जनवरी 2023, मध्य प्रदेश सर्कल का यहाँ पर लिस्ट फर्स्ट है। These shortlisted candidates should get their documents verified through the divisional head, mentioned again their names or before 21 आपको 21 तारीख से, यानी कि 21 मार्च से पहले आपका जो डिविजनल आपको हेड जो यहाँ पर ऑफिस मिला है वहां पर जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। द shortlisted candidate should report for verification along with ओरिजिनल एंड 2 sets ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज फॉर ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, यानी कि आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बोले किया ना, साथ ही साथ उनके 2 फोटोकॉपी आपको सेट के लिए लेना है। अब देखिए चेक कैसे करना है। जैसे ये मान के चलिए कोई व्यक्ति है, इसका नाम है ये, देखिए कैंडिडेट नेम क्या है, विष्णु, यहाँ पर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसकी कैटेगरी दे रखी है, उसको पोस्ट क्या मिली हुई है, उसका ऑफिस कहाँ पर है और उसको कौन सा डिवीजन मिला है ये दे रखा है, उसके परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितने हैं ये पूरा कट ऑफ दे रखा है ना, और कैंडिडेट की कम्युनिटी क्या है, यानी कि उसकी जो कैटेगरी क्या है, जेंडर क्या है, और डॉक्यूमेंट टू बी वेरीफाइड विद, और डॉक्यूमेंट कहाँ पर आपके वेरीफिकेशन होंगे, जैसे बालाघाट डिवीजन मध्य प्रदेश में विष्णु जो है इनके जो डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन है यहाँ पर होंगे। और इस तरीके से आपके जो बहुत सारे कैंडिडेट हैं, 69 पेज की ये PDF है, ये देखिए 69 पेज है, तो सारे कैंडिडेट है यहाँ पर, कट ऑफ आपको सो रहा है कि कितना कट ऑफ गया है। अगर मैं नीचे आपको मिनिमम कट ऑफ दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर वैसे मिनिमम सिक्वेंस वाइज नहीं है, बस इन्होंने जो जो कैंडिडेट सेलेक्टेड है उसके नाम के आगे उसका कट ऑफ डाल दिया। तो 98 देखिए, 97 भी आपको दिख रहा होगा, 90 भी दिख रहा है, 90 मिनिमम गया है, 90 से नीचे मुझे अभी तक दिखा नहीं है। देखिए आपको 90 से नीचे तो देखने को, मतलब कट ऑफ काफ़ी हाई गई है दोस्तों, 90 से नीचे कहीं पर भी आपको ये देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, एक हाथ जगह वो तो पता नहीं है, मैंने चेक नहीं किया, और बाकी देखिए 99.5 मतलब 100 तक चली गई ये कट ऑफ। ठीक है, ये देखिए 100 तक कट ऑफ आपकी जा चुकी है। तो अपना नाम देख लेना और रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सब मिला के आपको कहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, 21 मार्च तक आपको कराना है। तो ध्यान रखिएगा, अभी जाइए टेलीग्राम पर, ये सारी पीडियो डालू सभी स्टेट की, जैसे मैंने आपको बताया ना, ये देखिए जितने भी ऑल स्टेट यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, कहाँ गया वो, एक सेकंड रुकिए, तो ये सारे स्टेट आपको यहाँ पर दिख रहे हैं ना, सभी के मैं वन बाय वन डाल रहा हूँ, तो जाइए जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो जल्दी जाइए डाउनलोड कर लीजिए, और कोई भी आपको दिक्कत है तो अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड वीडियो बनाना किस तरीके से हुआ तो मैं बना दूंगा, आप कमेंट कर सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड वीडियो बनाई। ऑलरेडी मैं मेरा 2 जगह सिलेक्शन हो चुका है, 2 जगह मैं वेरिफिकेशन करा के मुझे पता है कि क्या क्या होता है, कैसे होता है, तो आपको अच्छी जानकारी मैं दे सकता हूँ। बाकी वीडियो चलो लाइक कर देना, चैनल पर नए इसी तरह की गवर्नमेंट जॉब के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।